ड्राई शैम्पू के बाद अब हैंड सैनिटाइजर में भी कैंसर पैदा करने वाले खतरनाक केमिकल पाए गए हैं। इसे देखते हुए अमेरिका में लगभग 2 दर्जन हैंड सैनिटाइजर ब्रांडों को बाजार से वापस ले लिया गया है या प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस साल अप्रैल 2021 से सितंबर के बीच चीन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में बने सैनिटाइजर्स की हजारों बोतलें वापसी ली गई हैं। इनकी जेल और स्प्रे दोनों में ही बेंजीन के खतरनाक स्तर पाए गए हैं। बेंजीन से ल्यूकेमिया, कैंसर होने का खतरा रहता है। कुल 21 ब्रांडों के हैंड सैनिटाइजर को बाजारों से वापस लिया गया है, जिसमें द क्रीम शॉप और उल्टा ब्यूटी द्वारा बनाए गए उत्पाद शामिल हैं। साथ ही टीजे मैक्स, मार्शल और ऑनलाइन में बेचे जाने वाले सैनिटाइजर भी हैं। सैनिटाइजर को जब हाथों पर लगाया जाता है तो इसमें मौजूद खतरनाक बेंजीन त्वचा के माध्यम से शरीर में चला जाता है। चूंकि इसमें बेंजीन का स्तर अधिक पाया गया है, ऐसे में इसमें लोगों को कैंसर का खतरा हो सकता है। अमेरिका में बेंजीन दूषित हैंड सैनिटाइजर के स्वास्थ्य प्रभाव के पैमाने को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन अब तक किसी पर इसके साइड इफेक्ट की सूचना नहीं है। ड्राई शैम्पू में भी मिला है बेंजीन। बीते दिनों कई कंपनियों के अधिक बिकने वाले ड्राई शैम्पू में बेंजीन का लेवल काफी ज्यादा पाया गया है, जिसके कारण यूनिलीवर ने अक्टूबर में अपने उत्पाद के बाजारों से वापस मंगा लिया था। ई कनेक्टिक की एक लैब में ड्राई शैम्पू के 34 ब्रांडों को 148 बैचों पर स्टडी की गई थी, जिसमें पता चला था कि इसमें से 70% में बेंजीन होता है और इस रसायन से ल्यूकेमिया जैसा कैंसर हो सकता है। रिसर्च में बताया गया था कि ड्राई शैम्पू में बेंजीन बालों की ताज़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इसके कई साइड इफेक्ट भी हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।